गाजी न्यूज चैनल सबसे पहले देश और समाज की खबरें। जब से रायबरेली में मैं आया हूँ, शुरुआत से लेकर के अभी तक, जिस समय मैं टोल प्लाजा पे घुसा हूँ रायबरेली में, और जब आपके बीच में पहुंचा हूँ, कोई जगह खाली नहीं बची जहां पर हमें लाल 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 टोपियां न दिखाई दी। रायबरेली के बॉर्डर टोल से लेकर के और लालगंज यहां तक स्कूल तक, और ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार बदलाव होके रहेगा, इस बार परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता, और इसलिए भी परिवर्तन की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल सकती। अगर आप हिसाब किताब लगाएं तो सबसे ज्यादा झूठ अगर किसी ने बोला है तो भारतीय जनता पार्टी ने। बताओ ये बात स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? शिक्षा में तो परिवार जो खड़ा है इनसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। कहा समाजवादी पार्टी ने सभी को समायोजित कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्या भरोसा दिलाया भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें। इन्होंने थोड़ी बहुत मदद कर दी, लेकिन इतने लोगों की जान गई है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों की जान गई है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, न केवल शिक्षा मित्रों को, बल्कि हमारे ये बीएड वाले हैं, टेट वाले खड़े हैं, ये बीएड वाले भी हैं, और अभी टीटी की परीक्षा को लेकर के 20 लाख के लगभग नौजवान जो बहुत मेहनत कर करके तैयारी करके गए थे, लेकिन उनका पर्चा लीक कर दिया सरकार ने, जिसके कारण परीक्षा नहीं हो पाई। हम अपने शिक्षा मित्रों से लेकर के बीएड बीएड और हमारे तमाम टीटी के जो छात्र जिनकी परीक्षा कैंसिल हुई है, और बड़ी संख्या में जो नौजवान हैं जो पुलिस भर्ती में जाना चाहते हैं या फौज में जाना चाहते हैं, हम तमाम नौजवानों को भरोसा दिलाते हैं कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी नौकरी और रोजगार हो सकता है, फौज और पुलिस भर्ती में जितना भी हो सकता है, समाजवादी सरकार बनने पर नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम होगा। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बनेगी तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, अभी धान खरीदा गया, आपको क्या कीमत मिली धान की? कोई सरकारी खरीद नहीं हुई, कहीं केंद्र नहीं खुले, कहीं सरकार ने खरीद नहीं की। अगर कहीं खरीद की हो तो बता दे सरकार, हमारे किसानों का धान ऐसे ही खरीद लिया गया, लूट लिया गया। आगे बाबा मुख्यमंत्री के नौजवानों को हम लोग लैपटॉप दे देंगे, टैबलेट दे देंगे, और कहते हैं कि हम स्मार्टफोन दे देंगे। बताओ रायबरेली के और लालगंज के हमारे नौजवानों, कितनों को टैबलेट मिल गई है? ये पता नहीं कौन सी टैबलेट दे रहे थे जो अभी तक नहीं मिली किसी को। कभी सोचो, कभी सोचिए, ये लैपटॉप क्यों नहीं बांट रहे हैं? ये लैपटॉप बाबा मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बांट रहे क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री खुद लैपटॉप चलाना नहीं जानते, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते। इसलिए बताओ, आपको योगी सरकार चाहिए कि योग्य सरकार चाहिए? और जब कभी बिजली का बिल आता होगा तो आपको बिजली के बिल से करंट लगता है कि नहीं लगता? ये सरकार जिसने बिजली नहीं बनाई,
अभी तक बिजली बनाने का कोई कारखाना नहीं लगाया। आप पिछले 4.5 साल में मुख्यमंत्री बिजली के कारखाने का नाम नहीं रख पाए, सोचिए आप। अगर नाम ही रख लिए होते तो शायद हमारी सस्ती बिजली हो जाती, बिजली भी महंगी कर दी, बिजली महंगी हो गई। और याद रखना साथियों, जिस समय आधी कमाई हो जाएगी, अगर कमाई आधी होगी और महंगाई दोगुनी होगी, तो कभी आपके घर परिवार में खुशहाली नहीं आ सकती। इन्होंने कमाई आधी कर दी और महंगाई दोगुनी कर दी, इसलिए कभी भी आपके और किसान के परिवार में खुशहाली नहीं आ सकती। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हर एक वर्ग को धोखा दिया। ये दिखा रहे हमें पर्ची अटेवा वाली, बताओ आपकी समस्या किसने पैदा की? जैसे शिक्षा मित्र हमारे तख्ती दिखा रहे हैं, उसी तरह अटेवा वाले ये तख्ती दिखा रहे हैं। अगर इनकी कोई समस्या का समाधान कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। समय आने पर हम लोग इसकी समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए आप लोगों से हमारा अपील है और हमारा आपसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किए। अगर गरीबों को कभी जरूरत पड़ती है बीमारी में अस्पताल जाने के लिए, तो वो समाजवादी सरकार थी जिसने आपके लिए एम्बुलेंस चलाने का काम किया। आज भी एम्बुलेंस चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं सुधार पाए हैं। जिस समय कोरोना बीमारी आई थी, जिस समय लॉकडाउन लग गया था, जिस समय लोगों को दवाई की जरूरत थी, अस्पताल में बिस्तर की जरूरत थी, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, अगर कोई काम कर रहा था तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार में एम्बुलेंस थी जो जा करके लोगों की, गरीबों की मदद करने का काम कर रही है। आज सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन से किसी की जान ही नहीं गई। क्या आप भूल जाओगे वो तस्वीरें? क्या आप लोग भूल जाओगे वो तस्वीरें जो गंगा की आई थी, जिसमें हजारों लोगों की लाशें बह रही थी, हजारों लोग जो अपने घर परिवार के सदस्य जिनकी जान चली गई, उनका दाह संस्कार नहीं कर पाए, मजबूरी में जाकर के गंगा के किनारे अपनी लाशें दफना दी। अगर कहीं दुनिया में भारत की बदनामी और उत्तर प्रदेश की बदनामी अगर किसी ने कराई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी सरकार है जिसने बदनामी कराई। अगर कोरोना के समय पर सही समय पर दवा, सही समय पर इलाज और सही समय पर अगर ऑक्सीजन दे देती तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। याद कीजिए वो लॉकडाउन, जिस समय हजारों किलोमीटर से चल करके मजदूर आए थे, ये सरकार चाहती तो बस दे देती, ट्रेन चला देती, लेकिन ये सरकार ने मदद नहीं की मजदूरों की। हमारे मजदूर भाई हजारों किलोमीटर से चल करके पैदल पैदल अपने घर पहुंचे थे और कई लोगों की जान गई, कई मजदूरों की जान चली गई, कोई सरकार ने मदद नहीं की। जिन मजदूरों की जान गई थी अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी ने उन परिवारों की मदद करने का काम किया था। 1-1 लाख उनके परिवार को भेजने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। ये जो पुलिस के लिए भी 100 नंबर आया, और ये 100 नंबर इसलिए चलाया था, ये पुलिस के लिए 100 नंबर इसलिए चलाया था कि हमारे गरीब को थाने न भागना पड़े, हमारे गरीब को किसी की सिफारिश न करानी पड़े। अगर जो सरकार डराती है बुलडोजर से, जो सरकार बुलडोजर से डराती है, बताओ बुलों को नहीं पकड़ पा रही? बताओ आप परेशान हो कि नहीं हो?
समझ गए होंगे बुल, आप तो समझ गए होंगे किस बुल की बात कर रहा हूं मैं। इसलिए बताओ बुल और बुलडोजर की सरकार हटाओगे कि नहीं हटाओगे? यही सरकार के लोग थे, कहते थे गरीब है, हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। बताओ कितने हवाई जहाज में चल लिए हैं? और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इन्होंने हवाई जहाज बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डा बेच दिया, पानी के जहाज बेच दिए, पानी का जहाज जहां बंदरगाह पे खड़ा होता वो बंदरगाह बेच दिया, ट्रेन बेच दी और रही बची रेलवे स्टेशन भी बेच दिया। पहले तो ये सरकार फेकू सरकार थी लेकिन अब ये बेचू सरकार भी हो गई। जो सरकार सरकारी संपत्ति बेच देगी तो बताओ नौकरी और रोजगार कहां मिलेगा? इसलिए इस सरकार ने केवल जनता को परेशानी दी है, जनता को दिक्कत दी है, जनता को किल्लत दी है और जनता को जिल्लत देने का काम अगर किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लोगों को कभी इतना अपमानित नहीं होना पड़ा होगा जितना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग अपमानित, ना सरकार से अपमानित हुए अरे आप लोग नहीं समझ पाए। अरे भाई अभी जब मैंने कहा बुल तो बोले सब समझ गए बुल क्या है। अरे बुली तो सांड है। अब हमें ये नहीं पता कि कौन से सांड की बात कर रहे हो तुम। और ये जो लाल रंग है ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, ये सही इसलिए कह रहे हैं, सच ये कह रहे हैं कि लाल रंग से सांड भी घबराता है। क्या ये सच्चाई है? तो इसीलिए ये लाल रंग से घबरा रहे हैं। ये लाल रंग भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। इसीलिए किसी ने कहा था ये लाल रंग खतरे की घंटी, ये लाल रंग वाले हमारे किसान हैं, लाल रंग वाले हमारे नौजवान हैं, हमारे लाल रंग टोपी पहनने वाली माताएं बहने हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती लाल टोपी पहनने वाले आतंकवादी हैं, तो इसका मतलब घबरा जाएंगे या इतने आतंकवादी हैं? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना, जैसे ही चुनाव आता है ये धर्म का चश्मा पहन लेते हैं, ये धर्म के आधार पर चीजों को देखते हैं। लेकिन ये चुनाव हमारे आपके सबके भविष्य का है। ये चुनाव इसलिए है कि किसान की मदद होगी कि नहीं होगी, ये चुनाव इसलिए है कि हमारे नौजवानों की तमाम समस्याएं हैं, इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी फैली है, इस बेरोजगारी को खत्म करेगा कि नहीं करेंगे, महंगाई कम होगी कि नहीं होगी, इसलिए ये चुनाव आपके भविष्य का है। और जब जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का, बदलाव का, तो हमें उम्मीद है कि रायबरेली की जनता भी इस बार बदलाव के साथ खड़ी दिखाई देगी और समाजवादी पार्टी की मदद करने का काम करेंगे। मैं जहां जनता का धन्यवाद देता हूं, आई हुई जनता का, कि जिन्होंने ये कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है, वहीं हमारे साथ जो खड़े लोग हैं, जो खड़े साथ लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं। और इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जिस समय चुनाव होगा, जिस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, उस समय चिलम जीवियों को आप बाहर का रास्ता दिखा देंगे और साइकिल की रफ्तार बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि साइकिल ने और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को विकास के कामों में आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे अस्पताल बनाने की बात हो, समाजवादी पार्टी ने अस्पताल बनाने काम किया, एम्बुलेंस देने का काम किया, पुलिस को इंतजाम किया कि पुलिस समय पर पहुंच जाए 100 नंबर या 112 है, ये तमाम इंतजाम अगर किसी ने किए थे तो समाजवादी पार्टी ने करके दिखाए थे। हमें उम्मीद है कि यहाँ का किसान, यहाँ का गरीब, यहाँ का नौजवान एक साथ होकर के समाजवादी पार्टी की मदद करेगा और साइकिल चुनाव चुनकी
मदद कर करके ऐतिहासिक जीत दिला करके भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक हार दिलाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपको हमारी न्यूज कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप गाजी न्यूज चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। माहिरा की स्पेशल रिपोर्ट।